हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमिता एंड निखिल व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेके चलूंगी अजीमाला, जहाँ पे आपको दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति मिलेगी सी साइड पे, समुद्र के किनारे, और बहुत ही सुंदर उनका मंदिर है। तो वहाँ पे चल के हम शिव जी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, तो चलिए इसी वीडियो में देखते हैं। अभी बता दूंगी तो फिर आप वीडियो क्या देखोगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सुबह हमने शुरुआत की है सी साइड से। यहाँ पे हम कोवलम बीच पे आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे और फ्रेश होके हम निकलेंगे अजीमाला के लिए। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं जहाँ पे हम रुके थे होटल में। अब यहाँ से फ्रेश होके हम जाएंगे। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो सुबह हम थोड़ा बहुत अपना स्नैक और नाश्ता वगैरह करने के बाद निकल चुके हैं मंदिर के लिए। This is one of the popular snack. This is a sweet one filled with cream, then deep fried, and this is ripe banana. वो भी आपको पकौड़े के तरीके से तल के दिया जाएगा। हमारे लिए थोड़ा सा वियर्ड था, बट यहाँ पे नाश्ते में लोग यही खाते हैं। We are just 30 minutes away from our destination. बस हम पहुँचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 20-25 मिनट का रास्ता है, उससे ज़्यादा नहीं कोवलम बीच से। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अजीमाला। आई एम सो सॉरी अगर मेरा प्रोनंसिएशन एकदम प्रॉपर नहीं है इस जगह का। जो लोग यहाँ के लोकल होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा एग्जैक्टली किस तरीके से बुलाते हैं, बट जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। इस जगह का नाम और जो भी लोकेशन है वो सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसे सी साइड पर भगवान शिव जी की बहुत ही ऊँची मूर्ति है, और हमेशा यहाँ पर दर्शकों मतलब पर्यटकों और जो आते हैं दर्शक और श्रद्धालु, उनकी भीड़ लगी रहती है। आप साउंड सुन सकते हैं, समुद्र की जो लहरों की आवाज़ है उसकी वजह से इतना पीसफुल लगता है आवाज़ होते हुए भी। मतलब एक होता है ना कि अशांति होते हुए भी काफ़ी शांति फील होती है, ऐसा माहौल होता है यहाँ पे। समुद्र से थोड़ा सा ऊंचाई पे मंदिर बनाया गया है, तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ से मैंने आपको समुद्र का नज़ारा दिखा दिया, ऐसा दिखता है। नीचे बीच है तो कुछ लोग नीचे भी हैं, बट अभी हमें जाना है ऊपर जहाँ पे मंदिर है। तो मंदिर के बाहर ही हम लोगों ने अपने जूते वगैरह निकाल दिए, अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर हाथ मुंह धो के। और आप देख सकते हैं भगवान शिव की प्रतिमा कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, सामने से बहुत बड़ी है दोस्तों। वीडियो में भले ही आपको उतना पता मतलब उस तरीके से ना दिख रही हो, लेकिन बहुत बड़ी है। आप सामने खड़े लोगों का कंपेरिजन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊँची मूर्ति है ये। बहुत ही सुंदर और पवित्र जगह है दोस्तों। अगर आप केरला आएँ तो अपनी लिस्ट में इस जगह को ज़रूर शामिल करें, यहाँ पे आके ज़रूर दर्शन करें, बहुत ही अच्छा फील होता है। इसके बाद लगाई थी हम लोग को भूख, हम लोगों ने एक पंजाबी ढाबा ढूंढा केरला में जो कि एक बिहारी चलाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपना लंच इन्जॉय किया। हमें जैसा खाना कुछ दिनों से हम लोग मिस कर रहे थे वैसा हमें यहाँ पे प्रॉपर मिला। तो हम लोगों ने अपना लंच वगैरह निपटाया और टू डू लिस्ट और तैयार कर ली कि नेक्स्ट डे कहाँ पे जाना है, क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता ना हो तो एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती है कि दूसरे दिन कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर उसी का बस डिस्कशन चल रहा है हमारा। इसके बाद हम लोग जाएँगे वापस होटल में और दूसरे दिन की तैयारी करेंगे। लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको क्या मिलने वाला है। और अभी तक दोस्तों हमने क्या क्या कवर किया है केरला में, हमने मुन्नार के बहुत ही सुंदर जो भी हिल्स हैं और वहाँ पे जो चाय के बागान हैं वो सब कवर किए हैं, कोची कवर किया है, रोड ट्रिप कवर की है। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस मिस किए हैं आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे पुराने वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे केरला के।
अगर आप केरला आने का प्लान करें तो आप सारे के सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से और मेरे बाकी के भी वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा उसे भी याद से दबा दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे कोची में, ये बहुत ही फेमस यहाँ का म्यूज़ियम है यहाँ, और अलप्पी में बोट हाउस देखेंगे हम, रोड साइड फ्रेश केले के चिप्स बनते हुए देखेंगे, गोल्डन सैंड बीच जाएंगे, और पुआर में हम लोग एक तरीके से जो बैक वाटर्स होते हैं वहाँ पे बोटिंग भी करेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वीडियोस में, स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।